मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, अगर मैं ये कहती हूँ तो आप ये समझेंगे कि मैं मोदी को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मोदी ने ये नारा चलाया। नहीं, हर व्यक्ति चौकीदार होता है अपने सामान का, अपनी कीमती चीज़ों का, अपने हर सामान को संभाल के रखने का चौकीदार होता है और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को, अपनी शिक्षा को, हर तरह की कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखे। तो चौकीदारी करना कोई बुरी बात नहीं है, और व्यवसाय हो या नौकरी हो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। अब लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार ने ये नहीं किया, मोदी ने ये वादा पूरा नहीं किया। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई एक व्यक्ति देश भर के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, जी जान से लगा हुआ है, क्या कोई मोदी के पास जादू की छड़ी है कि छड़ी को यूं घुमाया, या परी है, परी ने छड़ी को ऐसे छू दिया और वो बात पूरी हो गई या वो बदल गई? कोशिश करना हमारा काम है। आप सोचिए ज़रा, आपके परिवार में मान लीजिए 4 लोग 5 लोग हैं और उनके लिए आप काम करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हमें घर में ये सामान चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। क्या आप सारी इच्छाएं तुरंत पूरी कर पाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम कई साल तक वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, या कहीं घूमने जाने की सोचते हैं, कोई भी चीज़ इच्छा है, शिक्षा की है कि मैं IAS बन जाऊँ, तो क्या हर इच्छा पूरी हो जाती है? कोशिश करना हमारा काम है। तो मोदी कोशिश कर रहे हैं, 5 साल के अंदर कितने लोगों की इच्छाएं एकदम पूरी कर सकते हैं? देश के गरीबों के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं। गांव-गांव में लोगों के पास गैस आ गई, लोगों के शौचालय बन गए, स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ गई, देश के लिए जागरूकता आ गई, ये कितनी बड़ी बात है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन एक व्यक्ति पूरे देश के लिए सोच रहा है, हमारा भारत कहाँ ऊपर पहुँच गया है, कितना भारत का सम्मान बढ़ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं? ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग कहते हैं मोदी घूमता फिरता है, मोदी विदेश यात्रा करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी यात्रा की है? कभी आपने सोचा है कि विदेश यात्रा करना क्या इतना आसान है? जब आप 5-6 घंटे 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद पहुँचते हैं, कितने थक जाते हैं, लेकिन मोदी जी वहाँ पहुँच कर मीटिंग करते हैं टाइम से। टाइम का इतना डिफरेंस होता है, इंडिया का कोई और टाइम होता है, दूसरे कंट्री का 4 घंटे पीछे 4 घंटे आगे का टाइम होता है, उस टाइम को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अपनी पसंद का खाना खाना कितना मुश्किल होता है, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है कि टाइम एडजस्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते, लगे रहते हैं, नेताओं से मिलते हैं विदेश के, समझौते करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर समय प्रतिबद्ध रहते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो जी जान से लगे हुए हैं और हर तरह से आगे देश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि करोड़ों लोग एक साथ संतुष्ट हो सकते हैं? कोई कहता है मैं बन जाऊं प्राइम मिनिस्टर, हर एक व्यक्ति अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। देशद्रोहियों को माफ़ करने की बात करता है, किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात करता है, लोगों को फ्री में पैसा देने की बात करता है। क्या आप लोगों को आलसी और बेरोजगार बनाना चाहते हैं ताकि वो फ्री का पैसा लेकर के आलसी पड़े रहें? उन्हें तो पैसा फ्री में मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे? हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें अपने देश से प्यार है, अपने कश्मीर से प्यार है, अपनी सुरक्षा से प्यार है। तो हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो मजबूत हो, मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा हो। हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, क्या आज तक ऐसा हुआ? हमारे मोदी जी आगे बढ़कर हर बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं और बताते हैं कि क्या किया गया और क्या वो कोशिश कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हमला किया तब भी उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, लोगों के दिल में आस जगी और उनके साथ खड़े होने की हिम्मत हुई। तो हमें सही नेता चुनना है और चुनाव में मोदी जी का साथ देना है। मोदी जी को साथ दीजिए, वही एक सच्चे नेता है।